रांची के मोहराबादी मैदान में हेमंत सोरेन ने ली शपथ। झारखंड को मिला अपना 11वां मुख्यमंत्री। मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा। हेमंत सोरेन के शपथ समारोह में लगा दिग्गजों का तांता। तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, शरद यादव, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, डी राजा, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और संजय सिंह शामिल। हेमंत सोरेन के शपथ समारोह से दूर रहे कुछ दिग्गज नेता। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल समेत कई और बड़ी हस्तियां नहीं हुई शामिल। सीआरपीएफ को गृह मंत्री ने दिया पीएम मोदी का संदेश। कहा, आप देश की सुरक्षा कीजिए, आपके परिवार की चिंता और सुरक्षा हम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ के नए मुख्यालय का किया शिलान्यास। कहा, आज मेरे लिए बहुत गौरव का पल, देश के सबसे बड़े सशस्त्र बल के मुख्यालय का शिलान्यास मेरे हाथों से हुआ। पीएम मोदी ने 60वीं बार की मन की बात। पीएम मोदी ने अगली सदी को युवाओं की सदी बताया। मन की बात में पीएम मोदी ने आने वाले युग को सोशल मीडिया का युग बताया। युवाओं पर जताया भरोसा। कहा, हमारे युवाओं में अराजकता के प्रति नफरत है, वे भेदभाव को पसंद नहीं करते। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का विकल्प नहीं, राहुल गांधी को जनता ने विकल्प के रूप में नहीं स्वीकारा। राहुल गांधी ने विश्वेश्वर तीर्थ जी के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा, उडुपी के पेजावर मठ के विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी के निधन की खबर से दुखी हूं। मेरी संवेदना दुनिया भर में उनके अनुयायियों के साथ है। कर्नाटक के पेजावर मठ के प्रमुख विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। कहा, उनका ज्ञान अद्भुत था, उनके साथ अपनी फोटो भी की शेयर। लखनऊ में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के साथ हुई बदसुलूकी पर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बयान। कहा, पुलिसकर्मियों के बर्ताव से मैं काफी दुखी हूं। यूपी भवन के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध। भारी मात्रा में जुटे कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी के साथ हुई बदसुलूकी के विरोध में इकट्ठा हुए कार्यकर्ता। अभिनेता गोविंदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गोरखपुर पहुंचे। मुलाकात के बाद गोविंदा ने गोरखपुर मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर में सीएम योगी ने फिर लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को दिए जल्द समाधान के निर्देश। उपद्रवियों को यूपी के सीएम योगी की फाइनल वार्निंग। कहा, नकारात्मक छवि अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उन्हें उनकी सही जगह पहुंचा दिया जाएगा। सीएए का समर्थन पड़ा विधायक रामबाई को महंगा। बीएसपी ने किया सस्पेंड। मायावती ने ट्वीट कर दी जानकारी, पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगी रोक। बीएसपी प्रमुख मायावती का कांग्रेस पर हमला। कहा, ट्वीट, भारत बचाओ संविधान बचाओ की याद कांग्रेस को तब क्यों नहीं आई जब सत्ता में रहकर जनहित की घोर अनदेखी कर रही थी। उत्तर प्रदेश में लेखपालों की कई दिनों से चल रही हड़ताल खत्म। लेखपाल संघ और राज्य सरकार के बीच हुई बैठक के बाद हड़ताल खत्म करने को लेकर बनी सहमति। नोएडा में न्यू ईयर जश्न की तैयारियां जोरों पर। जिला प्रशासन ने शहर में जश्न से पहले आयोजकों के लिए जारी की कड़ी गाइडलाइन। निर्देशों का पालन नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। सूरत में मानव तस्करी के खिलाफ गुजरात और राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्यवाही। राजस्थान के 138 बच्चों समेत करीब 200 बच्चों को करवाया मुक्त। 25 आरोपी गिरफ्तार। कोटा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। जन सुनवाई में सुनी लोगों की समस्याएं। रात को करेंगे शहर का दौरा। एमपी के उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की दान पेटी में मिली विदेशी मुद्राएं। 10 से अधिक देशों की विदेशी मुद्राएं शामिल। हर साल महाकालेश्वर मंदिर में किया जाता है महादान। ग्वालियर में क्लब जीवाजी में पार्टी के दौरान हुआ हंगामा। दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों पक्ष के लोगों ने क्लब के बाहर आकर रोड पर एक घंटे तक किया हंगामा। झारखंड के खूंटी में नक्सलियों का तांडव। खूंटी जिले के अड़की थाना अंतर्गत सेलदा गांव में नक्सलियों ने उड़ाया भवन।
भोपाल में मेयर आलोक शर्मा का अभिनंदन समारोह बना लड़ाई का मैदान। मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले युवक को समर्थकों ने पीटा। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में पुलिस ने निकाली रैली। रैली की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के पड़रिया कला गांव में बोरिंग में आग से डरे लोग। बोरिंग से लगातार निकल रहा है ज्वलनशील पदार्थ। रहस्यमय बोरिंग को देखने के लिए जुटे सैकड़ों लोग। बिहार और उत्तराखंड को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर कर्मनाशा के पास पुल हुआ ध्वस्त। NHAI ने पुलिया पिलर निर्माण होने तक भारी वाहनों के परिचालन पर लगाई रोक। पिलर को तैयार करने में लगेगा कई महीनों का वक्त। बिहार के दरभंगा में तालाब में नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई आशंका। 15 दिनों से घर से गायब थी लड़की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों पर दिया बड़ा बयान। अनाज मंडियों के बाद शुगर मिलों में भी मिलेगा किसानों को 10 रुपए में खाना। जल्द शुरू हो जाएगी ये सुविधा, करनाल में होगी पहल। राजधानी को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए दिल्ली का पहला गार्बेज कैफे खुला। कैफे में प्लास्टिक के कचरे के बदले लोगों को मुफ्त नाश्ता और खाना दिया जा रहा। द्वारका सेक्टर 12 के सिटी सेंटर मॉल में गार्बेज कैफे खुला। नए साल में हो सकती है प्याज की कीमत कम। MP के सागर में अभी से प्याज 55 रुपए किलो बिक रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने विश्वेश तीर्थ स्वामी के निधन पर जताया दुख। बोले, स्वामी की आत्मा को मिले शांति, भगवान उनके भक्तों को दुख सहने की दे ताकत। ओडीपी पेजावर मठ के स्वामी श्री विशेषा तीर्थ स्वामी का निधन। पेजावर स्वामी के नाम से प्रसिद्ध श्री विशेषा तीर्थ स्वामी 88 वर्ष के थे। पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब था। केरल के एक ओल्ड एज होम में बुजुर्गों ने प्यार की अनोखी मिसाल कायम की। 67 साल के बुजुर्ग को महिला बुजुर्ग से हुआ प्यार, दोनों ने की शादी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से कन्नूर यूनिवर्सिटी में बदसलूकी। इतिहासकार इरफान हबीब ने आरिफ मोहम्मद खान को बोलने से की रोकने की कोशिश। छात्रों ने दिखाए काले झंडे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की हुई बैठक। देश के कई शहरों में वेंकटेश्वर मंदिर बनाने का लिया गया फैसला। वाराणसी, मुंबई और जम्मू कश्मीर में बनेगा भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर। कर्नाटक में 114 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए कांग्रेस नेता डी शिव कुमार ने दिया धन। बीजेपी ने इसे तुष्टिकरण की नीति बताया। राज्य सरकार ने अधिकारियों से परियोजना के लिए निर्धारित जमीन पर मांगी रिपोर्ट। पुडुचेरी सरकार के कैसीनो और लॉटरी खोलने के प्रस्ताव को LG किरण बेदी ने किया खारिज। किरण बेदी ने जनता के लिए नुकसान का हवाला देकर किया खारिज। कर्नाटक के कलबुर्गी के महागांव में एक ट्रक और बैलगाड़ी के बीच टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दिल्ली NCR में 31 और 1 जनवरी को हो सकती है हल्की बारिश। गिर सकते हैं ओले भी। आने वाले दिनों में बढ़ेगी और ठंड। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 0 से नीचे गिरा। पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, UP में ठंड और शीतलहर का कहर। यूपी, उत्तराखंड में सर्दी का सितम। मुजफ्फरनगर में 1.7 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। उत्तराखंड के औली में -12 रहा टेम्परेचर। श्रीनगर से लेकर कश्मीर के तमाम हिल स्टेशन पर बर्फ की मोटी परत बिछी। गुलमर्ग में तापमान -14 डिग्री पहुंचा। श्रीनगर में -6 डिग्री से नीचे तापमान होने की वजह से मशहूर डल लेक का पानी भी जमने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कश्मीर में ठंड ने तोड़ा 3 दशकों का रिकॉर्ड। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 6.2 डिग्री नीचे और द्रास में पारा -28.7 तक लुढ़का। उत्तराखंड के औली में हर जगह जमी बर्फ। औली में पर्यटकों को -12 डिग्री के तापमान का करना पड़ रहा है सामना। बर्फबारी के बीच टेंट में रहने का रोमांच लेने के लिए यहां कई पर्यटक पहुंचे। पटना में ठंड का 58 साल का टूटा रिकॉर्ड। न्यूनतम तापमान 4.8 तक पहुंचा। मौसम विभाग ने 3 जनवरी तक ठंड ऐसे ही रहने की दी चेतावनी। कोहरे और ठंड की वजह से कई ट्रेनें 2 घंटे या उससे ज्यादा की देरी से चल रही। करीब 100 ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
इजिप्ट में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 28 लोगों की मौत, इनमें से कुछ भारतीय पर्यटक बताए जा रहे हैं। इराक में सरकार विरोधी रैलियों में करीब 3 महीने में बगदाद और दक्षिण शहरों में कम से कम 490 प्रदर्शनकारियों की हुई मौत। अफ्रीकी देश कीनिया में भीषण बाढ़, 6000 से ज्यादा परिवार बाढ़ से प्रभावित, कीनिया सरकार ने कई जगहों पर खोले राहत कैंप। इस्लामाबाद में 2 रेस्तरां में गैस लीकेज से हुआ हादसा, 13 से ज्यादा लोग हुए धमाके के शिकार, घायल लोग अस्पताल में भर्ती। पाकिस्तान में नहीं थम रहा पोलियो का कहर, इस साल 119 मामले आए सामने, इस्लामाबाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ने जारी की रिपोर्ट। सौरभ गांगुली ने दिया बड़ा बयान, बोले 2020 के दौरे पर भारत के लिए चुनौती होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में पिछले दौरे पर टेस्ट सीरीज जीतकर 71 साल के सूखे को खत्म किया था। उद्योगपति रतन टाटा के जन्मदिन पर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ के प्लांट में बनाई गई विशाल रंगोली, राशि जुन्नरकर भागवत नाम की रंगोली कलाकार ने टाटा की विशाल रंगोली बनाकर रतन टाटा को दी शुभकामना। ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अलग से चार्ज वसूलना बिग बाजार को पड़ा महंगा, कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार को दोषी पाते हुए 15,000 रूपए का लगाया जुर्माना। फोरम ने बिग बाजार को ये पैसे कंज्यूमर लीगल एंड अकाउंट में जमा करने का दिया आदेश। वित्त मंत्रालय अगले साल 20 मार्च को अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का करेगा आयोजन, पूर्व वित्त मंत्री दिवंगत अरुण जेटली को श्रद्धांजलि देने के मकसद से किया जाएगा इसका आयोजन। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार यशराज बैनर तले बनने वाली बड़े बजट की फिल्म में काम करते आएंगे नजर, अक्षय ने फिल्म पृथ्वीराज की शूटिंग शुरू की।